जो आप मेरे सामने गांव देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये है माणा गांव, और नीचे लखनंदा भैरी है, ऊपर माणा पास है। ये पूरा है माणा गांव जो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं इस समय हूँ माणा गांव में। वैसे तो माणा गांव लास्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाता था, बट इस बार बीआरओ ने इसको चेंज करके फर्स्ट इंडियन विलेज कर दिया है। जो माणा गांव है ये भारत के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो जब वो स्वर्ग की ओर गए तो वो माणा गांव से होते हुए गए, इसी वजह से यहाँ पे पांडवों से जुड़े कई निशान दिखाई देते हैं। माणा जो गांव है वो अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के संगम के पास है, और ये सिर्फ भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहाँ पे आपको सरस्वती नदी देखने को मिलेगी, जो फर्दर आप वो वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। जो माणा गांव के लोग हैं वो भोटिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कहा जाता है कि वो मंगोल ट्राइब से रिलेशन रखते हैं। अगर आप माणा गांव घूमने आए हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ देखनी चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है गणेश गुफा। कहा जाता है कि वेद व्यास जी जो थे उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया था कि जो महाभारत का लेख है वो उसे लिखें, तो वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत को नरेट किया और गणेश जी ने यहाँ गणेश गुफा में बैठ के वो महाभारत का पूरा पाठ जो है वो लिखा। तो आपके सामने अभी जो है यह है गणेश गुफा, यहीं पे गणेश जी ने बैठ के पूरा जो महाभारत है वो लिखा था। गणेश गुफा के बाद अब मैं जा रहा हूँ व्यास गुफा की ओर। कहते हैं वेद व्यास जी ने यहीं पे जो महाभारत है वो गणेश जी को सुनाई और गणेश जी ने महाभारत को लिखा। जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे और वो तैयार हो गए थे वेद व्यास जी की महाभारत लिखने के लिए, तो गणेश जी ने बहुत अनोखी शर्त रखी। उन्होंने वेद व्यास जी को कहा कि जब वो महाभारत लिखना स्टार्ट करेंगे तो वेद व्यास जी को महाभारत की कथा सुनाते वक्त रुकना नहीं है, अगर वेद व्यास जी कहीं रुकते हैं तो वो महाभारत को लिखना वहीं बंद कर देंगे। तो हम पहुंच चुके हैं व्यास गुफा के पास। ये वही स्थान है जहाँ पर व्यास जी ने बैठ के पूरी महाभारत का काव्य सुनाया था गणेश जी को, और गणेश जी ने जो पूरी महाभारत है वो लिखी थी। माणा गांव जो है चारों तरफ से बहुत ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ठंड के टाइम में जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बद्रीनाथ के धाम के जो कपाट बंद हो जाते हैं, तो जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और नीचे 100 या 200 किलोमीटर नीचे गाँव में जाके बस जाते हैं। माणा में अब मैं जिस जगह जाने वाला हूँ वो जगह बहुत ही खास है। कहते हैं कि सरस्वती नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, मगर माणा गांव मुसलम एक ऐसा गांव है जहाँ पर सरस्वती नदी आज भी देखने को मिलती है, और ये वो जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। सरस्वती नदी माणा गांव के पास अपने उद्गम स्थान से निकलती है और नीचे जाके अलकनंदा नदी से केशव प्रयाग पर मिल जाती है, जहाँ से फिर ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो आप मेरे सामने जो नदी देख रहे हैं ये सरस्वती नदी है, यही सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। सरस्वती नदी के विलुप्त होने की भी अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी महाभारत का काव्य गणेश जी को सुना रहे थे तो उस समय सरस्वती नदी काफ़ी शोर करके यहाँ से निकल रही थी, तो वेद व्यास जी ने आग्रह किया सरस्वती नदी से कि वो इतना शोर ना करें, इसमें सरस्वती नदी नहीं मानी, तो वेद व्यास जी ने उनको श्राप दे दिया कि सरस्वती नदी जो है यहाँ के बाद विलुप्त हो जाएगी। माना जाता है कि वही एक कारण है जिसके बाद सरस्वती नदी यहाँ से विलुप्त हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब पांडव स्वर्ग की ओर गए तो माणा गांव से होते हुए गए, तो ऐसी कई निशानी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं इस बड़ी सी शिला को भीमपुल कहा जाता है। माना जाता है कि जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो वो सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाए, तो जो भीम थे उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर उठा के यहाँ पर रख दिया, जिस वजह से इस जो बड़े पत्थर है इसका नाम भीमपुल पड़ा। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान में चाय पी सकते हैं, जो आपको सिर्फ माणा गांव में ही मिलेगी। आप मेरे सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये वसुधरा फॉल की तरफ हमें लेके जाता है, और ये वही रास्ता है जो पांडवों ने चुना था जब वो सरयू की ओर गए थे। कहा जाता है कि वसुधरा फॉल की भी एक अपनी मिस्ट्री है, और अगर आप कभी वसुधरा फॉल में जा सके या उसके पास जा पाएंगे तो जो वसुधरा फॉल का पानी है वो किसी भी पापी के ऊपर नहीं गिरता है। मानते हैं यहाँ के लोग मानते हैं कि जो पूर्ण आत्मा है उसी के ऊपर वसुधरा फॉल का पानी जो है वो गिरता है। अभी जो जगह आप ये देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी जो थी उनमें से उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और ये वही जगह है जहाँ पर द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे। आप जो रास्ता देख रहे हैं सीधे जा रहा है ये वसुधरा फॉल की तरफ जाएगा, मगर मैं आगे नहीं जाऊँगा और जो अपनी जर्नी है वो यहाँ से वापस कर लूँगा।
अगर आप माड़ा में हैं तो आप यहाँ पे बहुत सी लोकल चीज़ें खरीद सकते हैं। ये क्या ग्रीन टी? यहीं से निकाली ये? आप यहाँ से लोकल कम्युनिटी द्वारा भेड़ के ऊन की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि यहाँ बहुत फेमस है और बहुत बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। तो मेरी जो माड़ा गांव की जर्नी है वो यहीं समाप्त होती है। अगर आप कभी बद्रीनाथ आएँ और आपको मौका मिले तो आप इस गांव में ज़रूर आएँ और इस गांव को एक्सप्लोर करें।